बहुत समय पहले की बात है, करमपुर नामक एक गांव में मदन नाम का आदमी अपनी बीवी तारा के साथ एक घर में रहता है। मदन का गांव में अच्छा खासा कारोबार रहता है। अजी सुनते हैं, आ जाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मदन नाश्ता करने बैठता है। अरे, मुझे कुछ दिन बाद कारोबार के काम से शहर जाना है। मैंने अमन और माया को कुछ दिन के लिए यहाँ आकर रहने को कहा है, ताकि तुम अकेली ना रहो। अरे आपने उनको क्यों तकलीफ दी, मैं अकेली रह लेती। अरे वो लोग रहेंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। अमन मदन का छोटा भाई था और माया अमन की पत्नी थी। अगली सुबह मदन शहर के लिए निकल जाता है। रात को तारा सो रही होती है, अचानक उसकी नींद किसी आवाज से खुलती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, लगता है ये खिड़की के बाहर से आ रही है। खिड़की के बाहर से डरावनी आवाजें आती रहती हैं। तारा घर के बाहर उस जगह जाकर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। लगता है आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। मैं जमीन खोद कर देखती हूँ। तारा जमीन को खोदती है तो उसे एक संदूक दिखाई पड़ता है। वो उसे बाहर निकाल कर खोलती है। उसमें बहुत से सुंदर गहने होते हैं। अरे वाह, इतने सुंदर गहने यहाँ कैसे आए? मैं किसी के देखने से पहले इन्हें छुपा कर रख लेती हूँ। घर के भीतर जाकर तारा आईने के सामने उन गहनों को पहन कर देखती है, पर उन्हें पहनते ही तारा अचानक भयानक डायन में बदल जाती है। मैं अब सबको जाकर अपने खूबसूरत रूप से रिझाऊंगी, और जैसे ही वो मेरे पीछे आएंगे मैं उनको जान से मार डालूंगी। वो घर के बाहर चल देती है। कुछ ही दूर एक घर में एक आदमी अपने आंगन में गाय को चारा खिला रहा होता है। वो देखता है कि थोड़ी दूर पर एक औरत खड़ी है। अरे वाह, खूबसूरत औरत कौन है और ऐसे अकेले में क्यों खड़ी है वहाँ पर? अजी, आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तारा का आधा चेहरा घूंघट से ढका होता है। वो ना में सिर हिलाती है और आगे चलने लगती है। आप हैं कौन और किसे ढूंढ रही हैं? तारा पलटती है, उसके चेहरे से घूंघट उठता है। हाय राम, ये तो कोई डायन है, बचाओ बचाओ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मरने के लिए तैयार हो जा। तारा उस व्यक्ति को मार कर घर वापस आती है और वो गहने उतार कर रखती है। गहने उतारते ही वापस पहले जैसी हो जाती है। अगले दिन माया और अमन तारा के घर आते हैं। उस रात भी तारा उन गहनों को पहनकर वापस शिकार पर चल देती है। रास्ते में एक रिक्शे वाला जा रहा होता है, उसे तारा चलकर जाती दिखती है। वो पीछे से आवाज लगाता है। अरे मैडम, कहाँ जाना है, चलिए छोड़ देता हूँ। तारा कुछ नहीं कहती। वो रिक्शा उसके पास रोक कर पूछता है, इतनी रात में कहाँ जा रही है पैदल, आइए मैं छोड़ देता हूँ। तारा का घूंघट उड़ता है, उसकी डरावनी शक्ल उसे दिखती है। बचाओ, भूत, तू मुझे क्या पहुंचाएगा, मैं पहुंचाती हूँ तुझे ऊपर। और वो उसे मार देती है। घर वापस आकर तारा भुतहा आवाजें करती है, उससे माया और अमन की नींद खुलती है। ये आवाज कैसी है, ये तो भाभी के कमरे से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। माया और अमन तारा के कमरे में झांकते हैं और डर जाते हैं। तारा डरावनी सी डायन बनी बैठी होती है। मेरी खूबसूरती के आगे कोई नहीं टिक सकता, मैं जिसे चाहूं अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा सकती हूं। ये क्या भाभी, ऐसे क्यों दिख रही हैं? हमें भैया को बताना चाहिए। अमन मदन को फोन लगाता है। हेलो हेलो भैया, वो भाभी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही हैं। क्या अजीब सी मतलब? वो ऐसा लग रहा है जैसे उन पर कोई चुड़ैल का साया है, उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही।
आप जितनी जल्दी हो सके लौट आइए। अमन, भाभी पर नजर रखना, मैं फौरन वापस आ रहा हूँ। अगली सुबह माया तारा के कमरे में जाती है। उसकी नजर उन गहनों पर पड़ती है। अरे, इतनी सुंदर और महंगी गहने, आज रात मैं इन्हें चुरा लूंगी। रात को जब तारा सो जाती है तब माया तारा के कमरे में आती है। माया के गहनों के संदूक को हाथ लगाते ही तारा उठ जाती है। माया, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम मेरे गहने चुरा रही थी। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। माया और तारा में झगड़ा और माया तारा के सिर पर डंडे से मार कर उसे मार डालती है और गहने हथिया लेती है। ये तुमने क्या कर दिया माया? अब हम भैया से क्या कहेंगे? मैं भाभी को नहीं मारना चाहती थी, वो बिल्कुल लड़ पड़ी थी और गुस्से में मैंने गलती से उन्हें, अब उनकी लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। भैया को हम कोई भी झूठी कहानी सुना देंगे। और वो दोनों मिलकर तारा की लाश को आंगन में ही दफना देते हैं। अगले दिन मदन वापस आता है। आते ही अमन और माया रोते हुए मदन के पास आते हैं। अरे, तुम दोनों रो क्यों रही हो? और तारा कहाँ है? अमन और माया मदन को झूठी कहानी सुनाने लगते हैं। भैया, क्या बताऊं? जिस दिन आप गए उसके बाद अगले दिन सुबह हमने देखा वो घर पर नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। हमने पता करने की बहुत कोशिश की, उनको बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। क्या तारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती? कहाँ होगी वो? किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं होगा? भैया, अब हम भी अपने घर जाते हैं। भाभी की कोई खबर मिले तो बताइएगा। माया और अमन अपने घर लौट जाते हैं। वाह, ये कितने सुंदर गहने हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये अब मेरे हैं। लग रही हूँ ना मैं इनमें सुंदर? हाँ, सारी रात क्या आईने में खुद को देखती रहोगी? चलो अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है, कल पहन कर देखना इन्हें तुम। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं अमन की नींद आवाज से खुलती है। मुड़ कर देखता है, माया चुड़ैल बनकर खड़ी है। माया, तुम ये ऐसा क्यों? माया लाल लाल आंखें और नुकीले दांतों वाली भयानक चुड़ैल बन चुकी होती है। क्यों? लग रही हूँ ना मैं खूबसूरत? मेरे सुंदर चेहरे को अच्छे से देख लीजिए, आपको ज्यादा देर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आपकी जान ले लूंगी, जान। माया बड़े बड़े नाखून गड़ाकर अमन की जान लेने आगे बढ़ रही होती है। अमन उसे धक्का मारता है। झटके से माया जमीन पर गिरती है और उसकी माला खुलकर जमीन पर गिर जाती है। माया वापस ठीक हो जाती है। ये तुम क्या करने जा रही थी माया? मैंने क्या किया? अमन माया को सब बताता है। मुझे तो इन गहनों में गड़बड़ लग रही है, हमें उस गहनों के संदूक का कुछ करना होगा। उस संदूक से हमें कैसे भी निजात पाना होगा। उसे घर से बाहर कहीं ले जाकर दफना देते हैं। इसे हम पास के खेत में दफना आते हैं। इस संदूक से जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा। अमन और माया संदूक को उठाकर खेत की ओर चल देते हैं। यहाँ पर गड्ढा खोदना ठीक रहेगा, फिर हम इस संदूक को गाड़ कर यहाँ से भाग जाएंगे। वो संदूक को लेकर दफनाने ही वाला होता है कि अचानक संदूक खुलता है और तेजी से बंद होता है। अमन के दोनों हाथ उसमें फंस कर दबने लगते हैं। आ, 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 मैं मर गया। मेरा हाथ, मेरा हाथ। अरे बचाओ, बचाओ ना, कोई कोई है, बचाओ मेरा हाथ, मेरा हाथ। इतने में माया जोर से चीखती है, बचाओ। अमन देखता है तारा खूंखार चुड़ैल के रूप में माया का गला दबा रही है। अमन संदूक को झटक कर अपना हाथ निकालने की कोशिश कर रहा होता है पर कोई फायदा नहीं होता। मेरी जान ली थी ना तुम लोगों ने, मेरी आखिर क्या गलती थी? ऊपर से तुम लोगों ने मेरे पति से अपनी ये घिनौनी हरकत छिपाई। हमें माफ कर दो तारा, गलती हो गई हमसे। माफी? यदि माफ करने लायक गलती की होती तो माफ कर देती, पर अब तुमको इस गलती की कीमत चुकानी होगी अपनी जान देकर। तारा माया का गला घूंट कर उसे मार डालती है। भाभी, भाभी नहीं, भाभी नहीं। माया को मार कर अब तारा अमन की ओर बढ़ने लगती है। अमन संदूक से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हुआ पीछे हटने लगता है। भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझे माया को बचाने के लिए भैया से झूठ कहना पड़ा। आप मुझे मत मारिए। गलती की सजा तो तुझे मिलेगी, अब तू नहीं बचेगा।
देखिए भाभी, मैं भैया से जाकर अपना गुनाह कबूल करूंगा, उन्हें सब सच सच बताऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए, दया कीजिए मुझ पर। ठीक है, जाकर अपने भैया से सब सच बता और माफी मांग उनसे, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं। नहीं भाभी, मैं सच में भैया से सब सच बताऊंगा। अमन जाकर मदन को सारी सच्चाई बताता है। मुझे सजा दीजिए भैया, मैं आपका गुनहगार हूँ। मदन अमन को पुलिस के हवाले कर